से स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार होगा इंडस्ट्रीज के लिए और वो उनके लिए आगे रास्ता बनेगा। ये लागू कब से करेंगे और आपने पीएसयू को क्यों अलग रखा है इससे? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल पार्लियामेंट पार करने दो, उसके बाद तुरंत हम प्रॉपर्टी में, जहां पर आपने 20% से 12.5% LTCG को कर दिया, लेकिन आपने इंडेक्सेशन बेनिफिट हटा दिया जो इन्फ्लेशन लिंक लोगों को फायदा हो रहा था, उससे भी लोग निराश है, कह रहे हैं कि अगर, हालांकि 2001 के बाद से ही है, लेकिन प्रॉपर्टी बेचने जाएंगे तो ये उनके लिए सौदे का घाटा हो सकता है जो पहले उनके लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। नहीं, हमने बहुत सारे एक्सरसाइज किए हैं वेरियस परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के साथ। अगर प्रॉपर्टी इस साल खरीदा, इतने में खरीदा, अभी सेल वैल्यू इतना है, व्हाट वुड हैव बीन द टैक्स रेट, ये सब वर्कआउट करके ही हमने ये अमाउंट में आया। और इसके लिए क्योंकि ये प्रश्न चिन्ह बजट पेश करने के बाद तुरंत बाद से ये उठा, वो तो इनहेरिटेंस टैक्स से लिंक कर रहे हैं विपक्ष इसको इनहेरिटेंस टैक्स से भी लिंक कर रहा है कि 2001 के बाद की प्रॉपर्टी है, कोई बेचने जाएगा जो माता पिता से मिला है उसको कम फायदा होगा। उनको ऑब्सेशन है कि इनहेरिटेंस टैक्स, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, जब उनसे पैसा वो लेने के लिए बोलते हैं, वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो वो उनको ठीक है। मगर जब हम हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के ऊपर, रेवेन्यू सेक्रेटरी इसके ऊपर स्पष्ट बातें बोले कि इसमें 1.25 लाख पर ईयर का आपको राहत देने के बाद 12.5 लगा लो, और उसमें कैलकुलेशन करने के बाद 80% ऑफ द पीपल आर ऑन हाई अर्निंग्स जिनके ऊपर ये 12.5, क्या इसमें भी वो आपको आपत्ति है? जब आप वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन, जिसके पास पैसा है वो उठा करके आप सबको खटाखट, वो सब आप कहने में अच्छा है, हम कर दिखाने में आपको दुख है, ये क्या लॉजिक है भाई?